तो आज के हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन, डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। सबसे पहले जानिए कि एक्सेल पे हम डेट कैसे लिखेंगे, एक्सेल के ऊपर डेट कैसे लिखा जाता है, इसे जरूरी है क्योंकि ये आपको देखना होगा आपके सिस्टम में। सिस्टम में जो डेट है 2/9/2021, जैसे आज का डेट अगर मैं लिखूँ तो 2/9 करूँगा तो यहाँ पर 2 सितंबर होगा, हुआ सर। लेकिन आप ऐसा करने की गलती ना करें क्योंकि मेरा जो डेट का फॉर्मेट है वो है DDMMYY, क्योंकि मैंने अपना विंडोज की जो रीजनल सेटिंग में इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, बट जनरली लोग US सेलेक्ट करते हैं तो उनका होता है MMDDYY। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 9/2, समझे, 9/2। तो एक चीज बताई ना, यहाँ पे हम एक्सेल में अपना ये फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट, मतलब पहले कंट्रोल पैनल के अंदर होता है सेटिंग चेंज करना होता है, ऑफिस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिस के अंदर में कंट्रोल पैनल का एक्सेस आपको नहीं होता है, वो आपका आईटी टीम होता है, ठीक है। अब बात होती है, अब यही पे प्रॉब्लम आ गई कि मैंने लिखा यहाँ पे 9/2, मतलब कि 9वां महीना दूसरा दिन, आपके सिस्टम में आपको 2 सितंबर दिखाएगा बट मेरे सिस्टम में क्या दिखा रहा है आपको बने। तो अगर मैंने आपको ये फाइल ये डेट भेजा तो आपके इस डेट में क्या हो जाएगा, 2 सितंबर 9 फरवरी बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी को ऐसे जगह भेज रहे हैं जहाँ आपको लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डेट फॉर्मूले के अंदर में टुकड़ों में डाल दें कि 2021 9 एंड 2, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये हमारा डेट बन गया। तो ये अब जिस किसी भी फॉर्मेट में जाएगा, कोई भी फॉर्मेट में जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो, मैं टाइप किया लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑलरेडी जैसे मेरे पास डेट लिखा हुआ है आज का, मुझे इसमें से अलग करने हैं। तो हमारे पास ईयर का फॉर्मूला है जो कि इसमें से ईयर अलग करता है, डे का फॉर्मूला इसमें से, सॉरी, डे का फॉर्मूला है इसमें से डे को अलग करता है, और मंथ का फॉर्मूला है जो कि मंथ को अलग करता है, और फिर वापस डेट फॉर्मूले में हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। इसको आगे भी बहुत सारी जगहों पे यूज करें, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं आज की सिस्टम डेट के लिए, तो आप टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिस्टम डेट आ जाएगा, टुडे पर अब ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए, टुडे का फॉर्मूला। नाउ का फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल नाउ, तो डेट एंड टाइम दोनों आएगा, हमेशा सिस्टम डेट के साथ अपडेट भी होता रहेगा। अब मान लीजिए कि आज की डेट में अगर मान लीजिए मुझे 20 दिन जोड़ने हैं कि 20 दिन बाद डेट क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, डेट में 20 को प्लस कर दे, ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मुझे 3 महीने जोड़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आप 30-3 करके 90 ऐड करोगे, ये गलत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई डेट का फॉर्मूला, जी हाँ, ई डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, 3 को सेलेक्ट करें और आए। अब नंबर में आया तो कंफ्यूज मत होइए, इसके डेट का फॉर्मेट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश, समझे, कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिए, डेट बन जाएगा। आपको महीने माइनस करने हैं तो -3 कीजिए, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो प्लस करने में प्लस होगा और माइनस करने में माइनस होगा, ठीक है। और अगर जैसे मेरे पास ये सितंबर का डेट है और मुझे सितंबर का लास्ट मंथ ऑफ डेट है, वो भी बताता हूँ, वन बाय वन बैठ के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐड किया, लेकिन मुझे पर्टिकुलर डेट में 2 महीने, 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करना है, तो इसके लिए फिर हम ये डेट फॉर्मूला जो है ना, इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, डेट फॉर्मूला का लगाएंगे, डेट फॉर्मूले में ईयर जो है अलग करेंगे, मतलब 2021 ऐड हुआ, अब 2021 में हम प्लस कर देते हैं 2, तो 2023 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला लगाते हैं और मंथ, इसमें से मंथ अलग करते हैं और इसमें प्लस
4 कर देते हैं, फिर हम डे अलग करते हैं इसमें से और इसमें प्लस कर देते हैं, डे कितना है 22, ठीक आ गया। हाँ जी, तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि अब मुझे हर महीने का डेट चाहिए, एंड डेट चाहिए, तो ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है, उसमें हर महीने का डेट आप लास्ट डेट ला सकते हैं, ईओ मंथ, समझे? जीरो कर देंगे तो सेम महीने का डेट आएगा, इसको डेट में फॉर्मेट चेंज कीजिए, अगर जीरो के जगह पे वन कर दीजिए तो क्या होगा, एक अगले महीने की, और माइनस वन कर दीजिए तो पिछले महीने की, या माइनस टू कर दीजिए तो पिछले के पिछले महीने की। अच्छा, जीरो पे करंट पिक करता है, वन पे नेक्स्ट मंथ, माइनस वन पिछला मंथ, जी ठीक है, ठीक है। मतलब जितना हमें बैक जाना वो माइनस में नंबर अपडेट करते रहेंगे, जितना फ्यूचर का डालना है उतना प्लस। हाँ जी ठीक है। अब दो डेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मेरे पास दो डेट है जो आप देख पा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप जस्ट माइनस कर सकते हैं लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, या फिर आप डे का फॉर्म डेज का फॉर्मूला लगा लें, इसमें लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। एक और फॉर्मूला है डे 360, बट डे 360 क्या करता है कि वो साल को 365 दिन नहीं 360 दिन लेता है और यहाँ पे रिटर्न करता है, उसके हिसाब से डिफरेंस रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 360 दिन का होता है, 5 दिन लेजर मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, जो आप तो कंप्यूटराइज हो गया ना, पहले के जमाने में तो मैनुअल हुआ करते थे ना, लेकिन मुझे डिफरेंस निकालना तो है, लेकिन नंबर ऑफ डेज जिसमें सैटरडे एंड संडे को इंक्लूड नहीं करना चाहता, या छुट्टी का नहीं, मैं नेटवर्क डेज में वर्किंग डेज निकालना चाहता हूँ, तो नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट एंड डेट। अब इसमें जो हॉलीडे है, मतलब कि सैटरडे एंड संडे के अलावा जो छुट्टी है 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, उस छुट्टी के लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और वो लिस्ट जरूरी ना हो कि इन दोनों डेट के बीच का हो, ये पूरा ईयर का सिलेक्ट कर लीजिए, इस डेट के बीच का जो भी डेट होगा उसको माइनस करके आपको बता देगा कि 175 दिन हुआ है। अब यही भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबकी कंपनी सैटरडे संडे बंद नहीं होती है, कुछ की कंपनी मंडे टू फ्राइडे चलती है, कुछ कंपनी मंडे टू सैटरडे चलती है, किसी की कंपनी आपको संडे टू थर्सडे चलती है, तो उसके लिए networkdays.intl है इंटरनेशनल, आप स्टार्ट डेट एंड डेट सेलेक्ट करें और आपकी ऑफिस किस दिन बंद होती है उसको सेलेक्ट करें। संडे बंद होती है, हमने संडे को सिलेक्ट करके टाइम मारा या फिर 11 नंबर्स का बना दिया, एंड आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कि इनके अलावा छुट्टियां कौन सी दिन थी, हमने उसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आपके सामने आ गया, ठीक है जी। बट दीदी अभी जो आपने सिर्फ सेल्स खाली ब्लैंक सेल से आपने सेलेक्ट किया, ब्लैंक सेल के जगह पे आप अपना होली डाल दीजिए ना कि 1 तारीख को छुट्टी था, 26 तारीख को छुट्टी था, जी ठीक है ना, ठीक है ठीक है, 15 अगस्त को छुट्टी था, इस तरह से डाल दीजिए, ओके ठीक है जी। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आज बैंक को हमने एक दिया, एक एप्लीकेशन दिया, बैंक बोला 15 दिन बाद आपका काम हो जाएगा, 15 वर्किंग डे, तो आफ्टर 15 दिन बाद क्या होगा, कौन सा डेट होगा? बैंक हमारी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वर्क डे इसका यूज होगा, स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेट एंड लिस्ट ऑफ हॉलीडे, ठीक है। लेकिन बैंक जो सिर्फ संडे संडे बंद होती है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, workday.intl, workday.intl स्टार्ट डेट नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे होलीडे,
लीव किस दिन है, लास्ट में होली, समझ गए? आया समझ में? हाँ जी। चलिए, ये समझ में आ गया? अब कभी कभी डेट हमारा टेक्स्ट में होता है इस तरह से, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप डेट वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है? ये हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? तो यहाँ पे क्या है, क्या बोले थे आप मैम? मैं बोल रही थी कि ये हमने इसको कन्वर्ट किसमें किया, कौन सा कन्वर्ट? डेट नहीं माना जाता है, ये सिंगल कोड के साथ लगा है ना, तो ये डेट होगा या कहीं और आपने डेट डाला हुआ है, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, देखने को दोनों एक जैसा लग रहा है पर दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि डेट है अलग से सर्वर लेना चाहता है वहां बता दूं प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमें परसेंटेज निकालना है, आपने एक साल का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट, एक साल की जो पैसा बिलिंग हुई कि हाँ आपको इतना लाख रुपए मिलेगा, पर प्रॉब्लम हुआ कि आपने काम एक साल नहीं किया, कुछ महीने करके छोड़ रहे हैं, थोड़ा मत बताता जाऊँ, परसेंटेज आपने वर्क किया उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे वो फॉर्मूला हम, या तो वो अगर अपना पर्सनल ले ले ईयर फ्रीक्वेंसी के लिए, अच्छा ये मिनट स्टार्ट डेट, ठीक है जी, तो वो बेस्ट हो जाएगा, एंड डेट, अब बात आती है और इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए कि परसेंटेज से, अब आप आपने सुना 67% आपने ईयरली वर्क किया, 67%, तो ये रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर आपने कोई डेट यहाँ डाल रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, ये जो परसेंटेज लग गया आपने कमांड चेंज किया, इसका भी कोई शॉर्टकट होता होगा ना, जैसे डेट का होता है कंट्रोल शिफ्ट स्लैश, ये क्या बड़ा क्वेश्चन है कि मैं ये भी क्या बोल रहे हैं, यानी किसी भी सेल को डायरेक्टली परसेंटेज में अभी आपने ये चेंज किया ना, किसी से भी उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज होता है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट के लिए होता है, कोई भी अगर हां मैंने रिपीट किया था उसका पता नहीं, बढ़िया बंदा मिल जाए ना म्यूजिक। अब इसमें एक हमारे पास फार्मूला, जैसे टेक्स्ट का फार्मूला आप लगाते हैं और इसमें आप दे देते हैं डी 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 तीन बार, तो ये विनसदे त्रसदे त्रसदे मंडे आएगा, ठीक है, और इसी को नंबर में चाहिए तो हम यहाँ पे हमारे पास होता है और इसमें वीक डे, वीक डेज को नंबर में बताएगा कि कितने नंबर्स हैं, कौन सा दिन का कौन सा नंबर्स है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है हमारा वीक नम, ये साल का कौन सा वीक चल रहा है, ये बताएगा कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है? हाँ जी, समझ में आ गया। अब चलिए टाइम की बात करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे टाइम लिखा, मुझे इस टाइम को अलग करना है, तो आपके पास आवर का फॉर्मूला है जिससे आप अलग कर सकते हैं, मिनट का फॉर्मूला है जिससे आप मिनट अलग कर सकते हैं, और आपके पास सेकंड का फॉर्मूला है जिससे आप सेकंड अलग कर सकते हैं, फिर आपको कंबाइन करना है तो टाइम का फॉर्मूला जिसमें आप आवर मिनट सेकंड को कंबाइन करें, ठीक है? अब बात करते हैं कि टाइम में अगर कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे अगर 20 मिनट ऐड करने हैं तो आप 20 को एज ए टाइम फॉर्मेट में अगर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने 20 कर दिया, तो इजीली आप प्लस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इसको नंबर फॉर्मेट में लिख दिया तो एक्सेल में क्या होता है, 1 = 24 आवर, मतलब कि एक दिन,
तो ऐसे आप करें नाइन प्लस करेंगे तो क्या होगा, 20 दिन में 24 घंटे मल्टीप्लाई बाई 20 ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करने का तरीका है टाइम फॉर्मूला। टाइम फॉर्मूले के अंदर आप आवर, अब मिनट है सिर्फ, तो यहाँ पे 0 मिनट हमारा 20 हो गया और यहाँ पे 0 सेकेंड हो गया, ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसको घटाना है, जैसे कि मान लीजिए वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए, किस चीज आपने टाइम का फार्मूला लगाया इधर ब्रैकेट में डिफॉल्ट में। ओके अभी आ जाओ, जैसे कि हुआ ना आपको यहाँ पे कि किसी भी टाइम में अगर कुछ मिनट्स या कुछ घंटे जोड़ना है, अगर टाइम फॉर्मेट में है तो आप जस्ट प्लस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने डेट प्लस किया था। बट अगर वो नंबर फॉर्मेट में 20-20 लिखा हुआ है तो एक्सेल के हिसाब से 20 नंबर है ना कि डेट है, क्योंकि एक्सेल एक नंबर वन को 24 आवर मानता है, तो इसको डायरेक्ट प्लस ना किया जाता है, इसको टाइम फॉर्मूले से ऊपर टाइम फॉर्मूला बनाया ना आपको मैंने, जो कि अलग अलग नंबर्स को कलेक्ट करके टाइम बना देता है, तो उसके थ्रू देना पड़ेगा आपको। मिनट 20 को मिनट वाले सेक्शन में डाल दीजिएगा और बाकी को 0-0 कर दीजिए, आपका बाकी 0-0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक मिनट का ही वैल्यू था, इसलिए हमने बाकियों को 0-0 रखा, नहीं तो हम वही सेलेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ओके ठीक है। हाँ जी हाँ जी, सही। अब दो चीज़ को माइनस करने है आपको, जैसे लेटेस्ट डेट मतलब कि आपको सुबह आपने ऑफिस 10 बजे गए 10:30 पे, रात को 20:20 पे ऑफिस निकले, तो आपने कितना घंटा काम किया, तो इसको देखने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट लेटेस्ट डेट एंड लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम, 9 घंटे 50 मिनट। लेकिन मैं आज तारीख क्या है, आज तारीख है 2 सितंबर को सुबह 10 बजे मैं ऑफिस से निकला, ठीक है, और कल 3 तारीख को रात के 4 बजे मैं ऑफिस से वापस आया। तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना होगा, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 10:30 लिख दिया और ये आपका 4 दे दिया, ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये 4 अगले दिन का है, इसलिए आपको डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखना होगा। नहीं लिख रखी हो तो दोनों डेट एंड टाइम को दोनों का आपस में प्लस कर दीजिए और फिर आप लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम को लिखिए और इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, 17 घंटे 30 मिनट। हाँ जी आ गया, बट मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ में, आपने बोला कि इसको ये जो 4 बजे है वो नेक्स्ट दिन का कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे क्या 24 घंटे का समय है आपके पास। देखिए सिंपल से बात समझिए, क्या सिंपल, एकदम सिंपल है। अगर आपके पास दो टाइम है और आपको डिफरेंस निकालना है, दो टाइम अगर सेम डेट का है तो सिर्फ टाइम टाइम को माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे। लेकिन आपके पास दो टाइम जो है वो क्या है, एक टाइम आज की है, एक टाइम अगले दिन, रात के 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप 4 बजे 10 को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता है। अगर आप इसमें अगर माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये हैश है, इस तरह का एरर हैश हैश रिजल्ट आएगा, आया मतलब कि आपको कभी भी टाइम माइनस में शो नहीं हो रहा, इसलिए टाइम को डेट के साथ लिखें और फिर माइनस करें तो आपको वहां पे आएगा, क्योंकि डेट टाइम जो होता है, टाइम क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपको नंबर्स आपका डेट है और डेसिमल्स आपके टाइम है। एक्सेल ने 24 घंटे को नंबर वन को 24 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रखा है, जैसे 24 घंटे पूरे हैं और दिन में ऐड कर देता है, ठीक है। और सुन मैं आपको, हाँ जी हाँ जी, आपको ये थी हमारी डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन, अब सबकी प्रैक्टिस करें और हम कल बात करेंगे वीवीएम, सॉरी इस पे वीनू का बगरा पे।
कल की डिस्कशन होगी हमारी, ठीक है मैम। और वीवीए का क्लासेस के लिए मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ थोड़ी देर में।